उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में और फैजाबाद अयोध्या में किसान पूरी तरह से परेशान है। आलू का किसान पूरी तरह से परेशान है, उसको अपनी लागत का मूल्य नहीं मिल रहा है। गन्ना किसान परेशान है, घटतौली चरम सीमा पे है। आज किसान का खेत सांड और पड़वे चढ़ जा रहे हैं, किसान पूरी तरह से परेशान है, उसके पेट पे लात पड़ रही है। योगी और मोदी जी की सरकार किसानों का उत्पीड़न कर रही है, उनके बच्चों की फीस कैसे जमा होगी, उनके घर का रोजी रोटी कैसे चलेगा, आज किसान इसके लिए परेशान है, आत्महत्या कर रहा है। इसलिए हम कहना चाहते हैं, आज इन समस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर पूरे प्रदेश में सारी तहसीलों पर 27 तारीख को सुबह 10:30 बजे से धरने का आयोजन किया गया है। आज अतिक्रमण हटाने के नाम पर फैजाबाद का प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सह पर गरीब मजदूर और मध्यम वर्गीय लोगों की दुकानों को तोड़ रहे हैं। एक बच्ची कल उस अतिक्रमण में चोट खा गई, अतिक्रमण हटने से अस्पताल में एडमिट है। अभी तक प्रशासन और कोई नेता वहां नहीं पहुंचा भाजपा का। नगर निगम, जिला प्रशासन नोटिस जारी करे, ये बताए कि आपने इतना गलत बनाया है। अगर आप हमारी नोटिस के बाद नहीं हटाते तो हम कार्रवाई करेंगे। न कोई नोटिस दी जा रही है, न कोई जानकारी दी जा रही है। जिस तरह से एक गुंडाई का माहौल पैदा किया जा रहा है, भय का माहौल पैदा किया जा रहा है, भ्रष्टाचार कायम हो रहा है कि लोग जा रहे हैं और जाकर के सीधे गिरा दे रहे हैं, व्यापारियों का, मध्यम वर्गीय लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं।